बच्चों, हेलो। पिछले हिस्से में हमने क्या देखा कि किस तरह से हम चीज़ों को मसावी मसावी बांट सकते हैं, है ना। हमने देखा कि बॉल कैसे बांट सकते हैं, फूल को और स्केच पेन को। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, हम उसके ग्रो कैसे बना सकते हैं, ग्रुप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कितने बॉल्स हैं, गिनो सब मिलके। एक, दो, दो, तीन, तीन, छः, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। पंद्रह। ठीक है, कितने हैं ये? 15 हमारे पास यहाँ पे छोटी छोटी गेंदे हैं। ठीक है, अब अली तुम क्या करो, इसमें से पांच पांच बॉल के ग्रुप्स बनाओ। बनाओ पांच पांच बॉल के ग्रुप, एक यहाँ पे रख दो पांच पांच ग्रुप। हाँ, पांच पांच बॉल के ग्रुप बनाओ। पाँच, अरे हाँ, पाँच पाँच, पांच कितने बॉल हो गए ये? फाइव, हाँ, चलो और एक ग्रुप बनाओ पांच पांच बॉल के। तीन, पांच, ये कितने हो गए? पांच। पाँच, देखो और बनता है क्या ग्रुप, देखो। ओके, अच्छा, तो तुमने पांच पांच के ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बन गए? तीन। तीन तीन हमारे पास कितने बॉल थे? पंद्रह। पंद्रह। पंद्रह के अगर हम पांच पांच के हिसाब से ग्रुप बनाए तो कितने ग्रुप बन गए हमारे? तीन तीन ग्रुप बन गए। ठीक है, अब हम इसको फिर से मिक्स कर देते हैं। अब नम्रा तुम क्या करो, इसमें से तीन तीन बॉल के ग्रुप बनाओ। ये तीन बॉल का ग्रुप बन गया, और बनाओ तीन तीन बॉल के ग्रुप्स। एक दो तीन, गुड। एक दो तीन, गुड, तीन एक दो तीन, तीन। ठीक है, और तीन। अच्छा, तो अगर हम तीन तीन बॉल के ग्रुप बनाए तो कितने ग्रुप बन गए ये? पांच। पाँच। बॉल तो हमारे उतने ही है ना, बॉल तो 15 ही है। तो पहले हमने जब उसके पांच पांच के ग्रुप बनाए तो कितने ग्रुप बने? तीन तीन। तीन, अब जब हम तीन तीन के ग्रुप बना रहे हैं तो कितने ग्रुप बन गए हमारे? पाँच। पांच ग्रुप बन गए। ठीक है, इसका मतलब अगर हम नंबर को कम ज़्यादा कर दें तो हमारे ग्रुप भी क्या हो जाएंगे? कम ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो मेन जो नंबर है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है।